वेलकम, मैं हूं साक्षी और आप देख रहे हैं टुडेज साउथ, जहां होता है एंटरटेनमेंट की दुनिया से डायरेक्ट कनेक्शन। आपको बता दें कि भारत में हर साल किसी न किसी एक्ट्रेस और मॉडल को लेकर चर्चा होती रहती है। हर साल भारत के युवाओं को कोई ना कोई नेशनल क्रश मिलती रहती है, जिसको देखकर हर किसी के दिल की धड़कन बढ़ जाती है। अब साल 2020 के नेशनल क्रश का नाम घोषित हो चुका है। यह एक्ट्रेस कोई और नहीं बल्कि कन्नड़ सिनेमा की जानी मानी एक्ट्रेस में से एक रश्मिका मंदाना का नाम शामिल हो चुका है। लेकिन आज हम रश्मिका मंदाना के बारे में कुछ बताने जा रहे हैं, जिसे सुनकर आप भी खुश हो जाएंगे। दरअसल आपको बता दें कि रश्मिका दक्षिण भारत के अलावा उत्तर भारत में भी काफ़ी लोकप्रिय है। रश्मिका ने कन्नड़, तमिल और तेलुगु फिल्मों में काम किया है, जो सिनेमा को बॉलीवुड से जोड़कर ही देखते आए हैं। उनके लिए रश्मिका मंदाना एक नया नाम हो सकती है। लेकिन आपको बता दें कि वह इस समय सबसे हॉट टॉपिक है। ट्विटर पर रश्मिका नेशनल क्रश हैशटैग के साथ ट्रेंड हो रही हैं। तो वहीं रश्मिका ने इसका स्क्रीनशॉट अपने ट्विटर से शेयर भी किया है। उन्होंने इसके साथ लिखा है, मेरे लोग वाकई में महान हैं, वो इतने प्यारे हैं नहीं हैं, मेरे दिल उन सब के पास है। बताते चले कि रश्मिका ने 2016 में आई फिल्म किरिक पार्टी से कन्नड़ सिनेमा में डेब्यू किया था। इस फिल्म में उनके अभिनय की खूब तारीफ हुई थी। फिल्म उस साल की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म थी। यही नहीं, रश्मिका ने 2018 में फिल्म चलो से तेलुगु सिनेमा में डेब्यू किया था। यह फिल्म भी सुपरहिट रही। अब फिल्म सुल्तान से तमिल सिनेमा में डेब्यू करने जा रही हैं। खैर, अब तक उनकी 10 फिल्में ही रिलीज हुई हैं। रश्मिका ने फिल्मों की कामयाबी और टैलेंट के बलबूते लोगों के दिलों में अपनी खास जगह बना ली है। ऐसे में रश्मिका मंदाना के फैंस अब देश के हर कोने में हैं और सभी चाहते हैं कि रश्मिका मंदाना जल्द बॉलीवुड में भी काम करे। अब देखना होगा कि रश्मिका मंदाना बॉलीवुड में कदम रखती हैं या फिर नहीं। इस बज के बाद ये बात तो पक्की है कि रश्मिका को कई बॉलीवुड फिल्मों के लिए अप्रोच किया जा सकता है। खैर, रश्मिका मंदाना को लेकर आप लोग कुछ कहना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग फॉर मोर एंटरटेनमेंट न्यूज़ एंड अपडेट।